नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। ओमिक्रॉन से डरना जरूरी है। जी हां, भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 238 मामले राजधानी दिल्ली में ही सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र से 160 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। दिल्ली में 248 नए मामले सामने आ चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र में 160 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले दिख रहे हैं और दिल्ली पहले स्थान पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो भारत में देश भर में ओमिक्रॉन की संख्या जो है कितनी हो गई है और कहां पर कितने मामले सामने आ चुके हैं, कितने मरीज रिकवर हो चुके हैं, ये आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो दिल्ली में कुल केस 238 सामने आए हैं, रिकवर 57 हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 167 केस सामने आ चुके हैं। कुल केस गुजरात में 73 हैं और रिकवर 17 हो चुके हैं, गुजरात की बात बता रहे हैं। केरल की बात करें तो 65 मामले सामने आ चुके हैं और सिर्फ एक जना ही रिकवर अब तक हो पाया है। तेलंगाना की बात करें तो कुल मामले 62 अब तक आ चुके हैं, रिकवर अब तक 10 मरीज हो चुके हैं। राजस्थान में 46 मामले आ गए हैं, 30 उसमें से रिकवर हो चुके हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 34 मामले सामने आ चुके हैं और रिकवर उसमें 18 हो चुके हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में 34 मामले आ चुके हैं, 16 रिकवर हो चुके हैं। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो 12 मामले आ चुके हैं, 2 रिकवर ऐसे में हो चुके हैं। तो ये तमाम जगह की बातें बता रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में कितने मामले आए, 11 आए, रिकवर 1 हुआ है। मध्य प्रदेश में 9 केस अब तक आ चुके हैं और 7 अब तक रिकवर हो चुके हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो कुल केस अब तक 8 आए हैं, लेकिन अभी एक भी शख्स रिकवर नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में कुल 6 मामले आए हैं, साथ ही एक शख्स रिकवर हो चुका है। उत्तराखंड में 4 केस अब तक सामने आ चुके हैं और एक भी रिकवर नहीं हुआ है। चंडीगढ़ में 3 केस आ चुके हैं रिकवर, जिसमें से 2 हो गए हैं, यानी राहत वाली बात चंडीगढ़ से है। जम्मू कश्मीर में 3 केस आ गए हैं और तीनों ही रिकवर हो चुके हैं। बहुत अच्छा संदेश कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2 मामले सामने आ गए हैं, दोनों ही रिकवर हो चुके हैं। गोवा में अब तक 1 मामला आया है, लेकिन अब तक रिकवरी उस मरीज की नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 मामला मिला, उसके बाद वो रिकवर भी हो चुका है। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में भी 1 संक्रमित पाया गया, रिकवर भी वो संक्रमित हो चुका है। मणिपुर में भी 1 मामला सामने आया और उस मरीज की अभी रिकवरी नहीं हुई है। दिल्ली में 57 अब तक रिकवर हो चुके हैं। तो यानी कि ये हम आपको दिखा रहे थे कहां पर अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं और कितने मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जगह से एक अच्छी खबर ये भी मिल रही है कि जहां पर संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, रिकवर भी वही सब लोग हो भी रहे हैं, यानी कि जल्दी रिकवरी हो रही है लोगों की। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन टेंशन की बात यहाँ पर यह है कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में देश में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी के साथ अब बढ़ता जा रहा है और इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर दिल्ली सरकार ने कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। तो दिल्ली सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है दिल्ली में। ये दिल्ली की गाइडलाइंस बता रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां 50% क्षमता के साथ खुलेंगी, यानी कि 50% लोग ही काम कर सकेंगे। शादी में 20 लोग शामिल हो सकेंगे, वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल होंगे, ऐसी अनुमति दी गई है। और अगर बात की जाए गाइडलाइंस की दिल्ली की, तो मॉल और दुकानें ऑड इवन के तर्ज पर खुलेंगी, यानी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकान। साथ ही सिनेमा, जिम और स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में, और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार भी खोले जाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट और बार को 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें ये दिल्ली की गाइडलाइंस में और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहे गए हैं। 50% क्षमता के साथ मेट्रो अब चलेंगी,
तो यानी कि मेट्रो में भी अब कम लोग ही सफर कर सकेंगे, सार्वजनिक पार्क खुले अभी रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक और धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है, यानी किसी भी तरह का कोई समारोह नहीं हो सकेगा। इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में दिल्ली में बढ़ती इस चिंता के बीच दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं इस गाइडलाइन के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी राजधानी में सभी से सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ते मामलों पर सरकार की क्या तैयारी है इस पर बात की। तो बताते हैं आपको कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी 3 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन देने के हमारे पास पूरी व्यवस्था है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के आंकड़ों की सही जानकारी मिल पाएगी। यानी कि ऐसे में अब भी दिल्ली में आंकड़े ओमिक्रॉन के बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब भेजे गए हैं लोगों के सैंपल, उनकी जब जानकारी आ जाएगी तो सही आंकड़े दिल्ली में ओमिक्रॉन के क्या हैं उसकी जानकारी तभी मिल पाएगी। ओमिक्रॉन का खतरा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही पूरी तरह से राज्य सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। हर कोई तैयारियां कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयारियां करता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम राज्यों में अब कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आ रही है, पाबंदियां लगती हुई नजर आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन को बार बार खतरनाक बताया जा रहा है और जितनी रफ्तार से ओमिक्रॉन भारत में बढ़ रहा है उसको देखते हुए एहतियात भी बरता जा रहा है। तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, जहां पर तमाम पाबंदियों को लेकर उन्होंने बात की थी कि दिल्ली में अब क्या क्या नई पाबंदियां लागू होंगी और क्या क्या गाइडलाइंस लागू होंगी दिल्ली में, उसके बारे में जानकारी दी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था आपको सुनाते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर क्या क्या पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन ये पाबंदियाँ आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियाँ लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। एक बार फिर से हर किसी की चिंताएं बढ़ा दी है। यहां पर राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं, केंद्र सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है। आज मंत्रिपरिषद की भी दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें कोरोना को लेकर
चर्चा होगी, किस तरह से हालात हैं कोरोना के और ओमिक्रॉन के, उसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इस समय ये समय है वो इसलिए क्योंकि अगले 1 से 2 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां भी की जा रही हैं, जनसभाएं भी की जा रही हैं, बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। हालांकि पाबंदियां तो लगाई जा रही हैं, लेकिन रैलियों पर, जनसभाओं पर पाबंदी कब लगेगी, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगभग कई राज्यों में अब तक जारी हो चुका है, साथ ही गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, लेकिन रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर किसी तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। और ऐसे में तमाम जगह पर बड़े बड़े नेता पहुंचकर रैलियां भी कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर वीसी गोयल हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं, जो ओमिक्रॉन को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर वीसी गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। डॉक्टर वीसी गोयल, जिस तरह से बार बार ये चेताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, और वही अब भारत में हो रहा है, और ऐसे में कुछ डॉक्टर्स, कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तो जिस तरह से कोरोना ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि तीसरी लहर में हम प्रवेश कर चुके हैं, तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, इसको हम ये मान करके नहीं चल सकते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यह जरूर है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में काफ़ी तेजी से फैलता है जी, और अभी इसके आने में कुछ समय और लग सकता है, जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्ट तक तीसरी लहर की हम आशंका कर सकते हैं, लेकिन हमको तीसरी लहर का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो कोरोना की प्रिकॉशंस है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, वो हमें ठीक तरीके से सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर एक चीज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक बड़ी आबादी भारत में ऐसी है जिसने वैक्सीन ले ली है, लेकिन अब बूस्टर डोज की बात की जा रही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 60 साल से ऊपर के लोगों को, जो किसी को परेशानी है तो वो बूस्टर डोज ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में बूस्टर डोज लेने के बाद हम खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ओमिक्रॉन से? बूस्टर डोज लेने के बाद में हम काफ़ी परसेंटेज 90-95% तक हम लोग सेफ रहेंगे, और अगर ये फिर भी ओमिक्रॉन होता है तो ये उस सीवियरिटी का नहीं होगा, वो गंभीरता उसके अंदर नहीं आएगी जिसमें कि हमको हॉस्पिटल एडमिशन होना पड़े या पेशेंट की हालत सीरियस हो जाए, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, वो हालात नहीं आएगी, और ये एक माइल्ड नॉर्मल खांसी जुकाम के जैसे आकर के ये बीमारी चली जाए, यानी कि ज्यादा खतरा नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ जैसे होता है उस तरीके से बीमारी आकर के चली जाएगी, हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी, इतनी इम्यूनिटी हो जाएगी कि ओमिक्रॉन हमारा शरीर को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, या वेंटिलेटर पर जाने की या ऑक्सीजन सप्लाई देने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसलिए जिन जिन लोगों को भी ऑथराइज किया गया है, वो सब लोग वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर बूस्टर डोज लोग ले लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वेंटिलेटर पे जाने की मरीज को जरूरत नहीं होगी, ठीक जल्दी हो सकता है। ऐसे में देखिए, हमने देखा था कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो लोगों में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। अब अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो अभी तक क्या ये स्पष्ट हो पाया है, ये पता चल पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जब कोई संक्रमित होता है तो किस चीज की बॉडी में कमी होती है? नहीं, इसमें कमी की नहीं होती है, एक जनरल इम्यूनिटी होती है, जनरल बॉडी में रेजिस्टेंस होता है कि आपके अंदर बॉडी में किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की कितनी ताकत है जी। वो अगर इम्यूनिटी आपकी ठीक है और शरीर में पूरी क्षमता है वायरस से लड़ने की, तो ये बीमारी आपको एसिम्प्टोमेटिक होकर के भी वायरस आपके शरीर में रह सकता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इसके लिए अपना जनरल जो रूटीन है, जनरल जो हेल्थ है, अपना खाना पीना है, अपना एक्सरसाइज है, नॉर्मल वॉकिंग है, डीप ब्रीदिंग है, ये सब रूटीन के अंदर करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में एक इम्यूनिटी का लेवल उस स्तर का हो जाए,
जिससे कि वायरस अगर आपके शरीर में जाता भी है तो आपको गंभीर बीमारी ना करके ये माइल्ड डिजीज की जैसे आगे चला जाए। बिल्कुल डॉक्टर वीसी गोयल, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जो बहुत सारे लोगों के मन में उठता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मुझसे भी ये सवाल पूछा। देखिए, अब बूस्टर डोज आ गई है, बूस्टर डोज अभी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन आने वाले समय में ये सबके लिए ही हो सकती है कि बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत होगी। तो ऐसे में जिन लोगों ने कोरोना की पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई है, क्या वो सीधे बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, या पहले उनको फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवानी होगी, उसके बाद ही बूस्टर डोज लगेगी? नहीं, बूस्टर डोज का मतलब यही होता है कि आपको फर्स्ट डोज लगवानी है, सेकंड डोज लगवानी है। उससे जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा होगी, उससे हमारे शरीर में जो रेजिस्टेंस पैदा होगा, जो एंटीबॉडी पैदा होंगी, उनको फिर हम कुछ महीने के बाद में एक और वैक्सीन दे करके बूस्ट करते हैं। बूस्ट का मतलब है कि अगर आपके आपके शरीर में 100 एंटीबॉडीज का लेवल 100 है, तो हमें इसको बूस्ट करके 1000 करना है या 500 करना है, जिससे कि आपके शरीर में इतनी इम्यूनिटी हो जाए कि वायरस आपको नुकसान न पहुंचाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज से और सेकंड डोज लेने के बाद में जो इम्यूनिटी का, जो एंटीबॉडीज का स्तर बनता है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। तो यह माना गया है कि 9 महीने के बाद में एक डोज और लेना चाहिए। इसको आप चाहे तीसरी डोज बोले, चाहे बूस्टर डोज बोले, चाहे प्रोपोर्शनली डोज बोले, तो उससे जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल है वो बढ़ जाएगा और उस लेवल पर रहेगा जो कि वायरस को शरीर में पहुंचने पर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा और वायरस को डिस्ट्रॉय कर। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर एक चीज और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए WHO की तरफ से बार बार ये कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत खतरनाक है। अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, क्योंकि एक महीना हुआ है सिर्फ इस वेरिएंट को मिले हुए, तो तमाम जगह पर स्टडीज भी की जा रही है, लेकिन क्या इसको लेकर क्या कुछ हम कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन के आने वाले समय में कुछ और रूप बदल सकता है और खतरनाक हो सकता है, या इसी तरह से रहेगा? नहीं, देखो, ओमिक्रॉन डेल्टा के कंपैरिजन में कम खतरनाक है, नंबर एक। नंबर दो, ये स्प्रेड जरा जल्दी होता है, तेजी से होता है जी। तो लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो डिजीज होते हैं, इसके जो शरीर में जाकर के डैमेज करता है, वो माइल्ड किस्म का होता है, नॉर्मल खांसी जुकाम के जैसे ही आकर के रहता है। ऑल्दो ये स्प्रेड तेजी से करता है जी, तो अगर एक हफ्ते में, एक वीक के अंदर डेल्टा के 100 केस होते हैं, तो इसके 300 केस हो सकते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, फैलता तेजी से है, लेकिन इसका जो रूप है वो ये माइल्ड ही डिजीज करता है, साधारण स्तर की खांसी जुकाम ही करता है। ज्यादा गंभीर बीमारी ओमिक्रॉन से अभी तक देखने में नहीं आई है, और ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन स्प्रेड होगा, तो धीरे 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 शायद ये कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा और कोरोना वायरस संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये महामारी जो चल रही है पिछले 2 साल से, इसका अंत होने की भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है इस ओमिक्रॉन के बाद। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी खबर आप यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर वीसी गोयल के, क्योंकि हर कोई यही जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये कोरोना इस दुनिया से जाएगा कब, क्योंकि तमाम लोग बहुत परेशानियों से इससे गुजरते हैं, और ऐसे में अब भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी टेंशन आ गई है कि आखिर ये कोरोना खत्म कब होगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि देखिए, अब बच्चों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी, लेकिन क्या जब वो बच्चों को वैक्सीन लगेगी वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर होगी, या फिर बच्चों को भी बाद में कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है? देखो, बूस्टर डोज को हमको समझना चाहिए। बूस्टर डोज का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एकदम से मैजिक के जैसे आकर के ये सबको ठीक करेगी। बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज है या जो इम्यूनिटी है, उसका स्तर जो धीरे धीरे कम हो जाता है, उसको हम एक तरीके से बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सिग्नल जा रहे हैं, रेडियो सिग्नल जा रहे हैं, एक जगह जाकर के वो वीक पड़ जाते हैं, तो हम बूस्टर लगा देते हैं जी। तो बूस्टर उन सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है।
इसी तरह ये वैक्सीन बूस्टर डोज भी वैक्सीन का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको जो इम्यूनिटी लेवल, जो एंटीबॉडीज लेवल हमारे शरीर में कम हो गया है, उसको एक तरीके से बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो जिस तरीके से हम रेडियो वेव्स के सिग्नल्स या अपने मोबाइल के सिग्नल्स, इनको हम बूस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उसी तरह ये एंटीबॉडी लेवल को हम बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आपके शरीर में इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज हैं, लड़ने की ताकत है, जी लेकिन हम उसको और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो बीमारी का असर हमारे शरीर पे नहीं हो। बिल्कुल डॉक्टर। और एक बस एक छोटा सा और आखिरी सवाल कि बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, और ये भी कहा जा रहा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो एक दिन में 2 लाख के करीब केसेस भारत में सामने आएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जब थर्ड वेव आई तो इस तरह से केसों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी? देखिए, इसको प्रडिक्शन तो कई मॉडल चलते हैं कैलकुलेशन करने के, लेकिन अगर हम लोग अपना पूरा कोरोना प्रोटोकॉल रखेंगे, सब लोग टू डोजेज लगवा लेंगे, जिनको बूस्टर डोज ऑथराइज किया है बूस्टर डोज लगवा लेंगे, और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल के अंदर मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जी हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज हम करेंगे, वैक्सीनेशन ले लेंगे, बूस्टर डोज लगवा लेंगे, उसके बाद में थर्ड लहर जिस तरीके की सीवियरिटी की हम लोग आशंका कर रहे हैं, उसका खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। जी चलिए ठीक है डॉक्टर वीसी गोयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन खतरा अभी भी ओमिक्रॉन को लेकर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़कर 781 हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार दिल्ली सबसे नंबर 1 पर पहुंच चुका है ओमिक्रॉन को लेकर। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाबंदियों का ऐलान किया था कि दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सैंपल अभी भी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बताया जा रहा है दिल्ली में इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं, इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कहीं बड़ी उनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, ऐसी बड़ी संख्या होती है। नहीं लेकिन सर, ऐसी लेकिन ये ओमिक्रॉन का डेटा है, ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओमिक्रॉन का जो डेटा है वो जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद आता है, ऐसी स्थितियों में ऐसे अस्पताल में भर्ती होते ओमिक्रॉन हैं। के ज्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफी बड़ी संख्या है। सर एक बात आपने अभी ये कही कि ओमिक्रॉन के जो मरीज सामने आ रहे हैं, जो ट्रेवलर्स हैं वो संपर्क में आए हैं, और घर के लोगों को भी ओमिक्रॉन हो गया या उन्हें कोरोना हो गया, ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बड़ी संख्या में, क्या ऐसा है कि कांटेक्ट में लोग घर के लोग ज्यादा? देखो ऐसा होता है कि जब एयरपोर्ट पे आते हैं सभी का टेस्ट किया जाता है, 100% लोगों का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको दोबारा से दिल्ली सरकार के कांटेक्ट में सभी लोग रहते हैं जो होम आइसोलेशन में है, तो जिसको भी हल्का सा भी कोई खांसी है, जुकाम है, कोई भी सिम्टम भी हल्का सा भी आता है तो उनके टेस्ट किया जाता है, और 8वें दिन सभी का कंपलसरी या 5वें दिन या 8वें दिन कंपलसरी ये टेस्ट किया जाता है दोबारा से, तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में जो इन दिनों मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब 500 मामले दर्ज हुए एक दिन में कल, उसकी वजह ओमिक्रॉन ही है? ये एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये मान सोसाइटी से कितने केसेस जा रहे हैं सर? जो अभी तक ये था कि जो एयरपोर्ट जा रहे थे ओमिक्रॉन पॉजिटिव वो मिले थे जिन्होंने सिक्वेंसिंग में, क्या ऐसा भी क्लोज कॉन्टेक्ट को आ रहा है जैसा आपने? नहीं क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना उनके फैमिली मेंबर्स तो काफी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं, आ रहे नहीं, हैं वो नहीं, ना 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 एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब आते हैं तो उसमें कई लोग उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं।
तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर लगातार खतरा पैदा हो रहा है और लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद की बात करें तो मुंबई सबसे ज्यादा संक्रमित है इस समय ओमिक्रॉन से, क्योंकि मुंबई में भी बहुत सारे मामले सामने आ गए। पूरे महाराष्ट्र की हम यहाँ बात करें तो महाराष्ट्र पूरे दूसरे नंबर पर है। साथ ही तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर भारी संख्या में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहत वाली और अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर जितने मरीज अब तक ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं उतने मरीज सभी रिकवर भी हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन के कहां पर कितने मामले आ चुके हैं, साथ ही कितने लोग रिकवर हो चुके हैं। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 238 मामले आ चुके हैं, 57 रिकवर हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 167 मामले आ चुके हैं और 72 रिकवर हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 73 मामले हैं, 17 रिकवर अब तक हो चुके हैं। केरल में अब तक 65 मामले आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन मरीज एक ही रिकवर अब तक हुआ है। तेलंगाना में 62 केस आ चुके हैं लेकिन रिकवर 10 मरीज हो गए हैं। साथ ही आपको राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 46 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं तो रिकवर 30 हो गए हैं। कर्नाटक में 34 मरीज मिले तो 18 रिकवर हो चुके हैं। तमिलनाडु में 34 केस मिले हैं तो 16 रिकवर मरीज हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। हरियाणा में 12 मामले अब तक मिल चुके हैं जिसमें से 2 रिकवर हो चुके हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 11 मरीज मिले हैं लेकिन रिकवर अब तक एक ही हुआ है। इसके साथ मध्य प्रदेश में 7 रिकवर हो चुके हैं और 9 केस अब तक मिल चुके हैं। उड़ीसा में 8 केस मिल चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी मरीज रिकवर नहीं हुआ है। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 6 मरीज अब तक मिल चुके हैं और 1 की रिकवरी भी हो चुकी है। उत्तराखंड में 4 केस मिल चुके हैं लेकिन रिकवर कोई नहीं हुआ अभी तक। चंडीगढ़ की बात की जाए तो 3 मामले मिल चुके हैं लेकिन रिकवर 2 हो गए हैं, एक अच्छी खबर है। साथ ही जम्मू कश्मीर से भी एक अच्छी बात है कि 3 केस मिले तो तीनों ही मरीज रिकवर भी हो गए। उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है, 2 मामले मिले थे और दोनों ही मरीज रिकवर हो गए हैं। गोवा में 1 मामला अब तक मिला लेकिन अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 केस मिला और रिकवरी संक्रमित मरीज की हो चुकी है। साथ ही लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख में भी 1 ही संक्रमित मिला था और वो संक्रमित भी अब तक रिकवर हो चुका है। मणिपुर में भी 1 मामला अब तक ओमिक्रॉन का मिल चुका है लेकिन रिकवरी इस मरीज की अब तक नहीं हुई है। तो ऐसे में ये वो हम केस दिखा रहे थे, तमाम जगह की तमाम बातें बता रहे थे कि कहां पर अब तक कितने मामले मिल चुके हैं और कितने मरीज रिकवर हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से देश में बढ़ता जा रहा है उससे राहत वाली बात ये भी अच्छी आ रही है कि बहुत सारी संख्या में मरीज जो हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ओमिक्रॉन से तभी बचा जा सकता है जब हम अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।